मालती देवी का ये सच जान अनुज करेगा और भी ज्यादा नफरत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। मालती देवी कैसी थी और कैसी है ये हम सब समझ रहे हैं। मालती देवी कपाड़िया हाउस में रह रही है, अपना हक जमा रही है, ये सब चीजें कर रही है, मगर इसके साथ साथ एक सच भी चल रहा है जो अभी तक सिर्फ मालती देवी ही जानती है, मगर जब यह सच अनुज के सामने आएगा तो क्या करेगी मालती देवी, क्योंकि इसके बाद तो अनुज और भी ज्यादा नफरत करेगा मालती देवी को। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, मालती देवी जैसा करेक्टर, मालती देवी जैसी मां किसी को भी ना मिले, ये सच में मैं दिल से कहती हूं। क्योंकि मालती देवी की अगर हम स्टोरी पे ध्यान दें, मालती देवी के ट्रैक पे ध्यान दें, तो कौन है मालती देवी? मालती देवी एक ऐसी लेडी जिसकी शादी होती है, एक करियर ओरिएंटेड लेडी शादी होती है, उसका सपना पूरा नहीं होता है, एक शरीफ हस्बैंड मिलता है जो उसको गवारा नहीं है, उससे उसका एक बच्चा पैदा होता है, मगर उसका दिमाग एक ही जगह चल रहा है कि मुझे बड़ी कलाकार बनना है, इसलिए वो अपने बच्चे को छोड़ के चली जाती है। बड़ी कलाकार बन जाती है, बड़ा नाम हो जाता है, अमेरिका में बड़ा गुरुकुल हो जाता है, ऐसी मालती देवी बन जाती है कि इंटरनेट पे सर्च करें तो बड़ी डांसर मालती देवी ही निकलती है, पब्लिक फिगर बन जाती है। और जब ये पब्लिक फिगर बन जाती है तो उसके बाद भी उसको अपने बेटे की याद नहीं आती है, उसके बाद भी उसको कोई लेना देना नहीं है अपने बेटे से। ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी स्टोरी लग रही है मुझे, मुझे लगता है कि ये कुछ और ही सच है। क्योंकि जब हमने इस स्टोरी को, इस मालती देवी वाले ट्रैक को देखा था, शुरू हुआ था, तभी से हमें लगता था कि मालती देवी जानती है कि अनुज इसका बेटा है, और मालती देवी को इसी कारण से गुरुकुल अमेरिका से यहां पे आना पड़ा। हम ये चीजें हजार बार डिस्कस कर चुके हैं, मगर फिर ऐसा ट्रैक घूमा कि हमें लगा कि मालती देवी को नहीं पता था, क्योंकि अनुपमा अनाथ आश्रम गई, चेक दे रहे, वहां पे उसको पता चला मालती देवी के बच्चे के बारे में कि मालती देवी तो अपने बच्चे के लिए पैसे भी भेजती थी, 25-25 हजार रुपया मालती देवी तो ये भी करती थी। इससे एक ही बात पता चलती कि मालती देवी को पता है कि उसका बेटा किस अनाथ आश्रम में है, और अगर अनाथ आश्रम से कहीं पे अडॉप्ट भी हुआ है तो मालती देवी को इतनी बड़ी पब्लिक फिगर होने के बाद उसको पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा कहां पे गया है। ये तो एक सीधी सी लाइन बनती है, और मालती देवी फिर भी अपने बच्चे के पास नहीं जाती है। मालती देवी इंडिया आती है, मालती देवी अनुपमा को चुनती है, एक महीने में उसको जो है बना देती है, अपने गुरुकुल की उत्तराधिकारी बनाती है, फिर अनुपमा को अमेरिका लेके जाने की कोशिश करती है जो कि फेल हो जाती है, अनुपमा वापस अपने अनुज के पास आ जाती है, और अब भी मालती देवी को अपने बच्चे का ख्याल नहीं आया। मालती देवी अनुपमा को फिर से बर्बाद करने की कोशिश करती है, उसके बच्चों को उससे अलग करने की बात करती है कि तूने ममता के कारण मेरी जो है सारी जो प्रॉपर्टी, जो भी मेरा नाम है उसको हिलाया, मैं तेरे बच्चों को ही दूर कर दूंगी, यही कुछ था ना। चलिए ये भी हो गया, यहां पे भी मालती देवी को अनुज याद नहीं आया कि उसका कोई बेटा है। या तो ये ट्रैक इनको इतना कंफ्यूज कर गया कि लाए ना लाए, करें ना करें, कि ये सारे छोटे छोटे लूप होल छोड़ दिए। और अब जो दोस्तों हम देखते हैं मालती देवी घर पे है, कैसे आई मालती देवी घर पे, वो नहीं जो दिखाया गया है उसकी बात कर रही हूं मैं, वो बात कर रही हूं जो नहीं दिखाया गया। मालती देवी एकदम से गायब हो जाती है अनुपमा की जिंदगी से। अनुपमा एक बार मां का रूप दिखाती है, चंडी का रूप दिखाती है, और बोलती है कि मेरे बच्चों के साथ कुछ किया, जब छोटी को मालती देवी बताने वाली थी, तो मैं तुम्हारा ये वो सब कर दूंगी, तब आप देखेंगे कि एक गुरु और चेला नहीं, एक मां
दूसरी औरत से लड़ रही है। तब मालती देवी सुनती है और गायब हो जाती, और फिर अनुपमा को पागल मालती देवी मिलती है, और वो पागल मालती देवी को पता नहीं है किधर जाना है, मगर उसको यह पता जरूर है कि जहां पे अनुपमा है वहां पे मुझे रहना है, आसपास ही भटकना है कहीं पे। चलिए इसको भी हम समझते हैं कि कुदरत का करिश्मा है, कोइंसिडेंस है, एक बार हुआ, दो बार हुआ, दस बार हो सकता है अनुपमा धारावाहिक है, क्योंकि अनुपमा के इर्द गिर्द स्टोरी घूमनी है। अब यहां पे अनुपमा नकुल से फोन करती है, नकुल सरे हम कहते हैं कि मैंने तो मालती देवी को धोखा दे दिया, ऐसा होता है क्या, तुम भी आ जाओ, तुम भी धोखा दो। नकुल जो अनुपमा को अच्छे से जानता है, नकुल जिसने एक टाइम पे इतना अच्छा करेक्टर प्ले किया, वो एकदम से कहता है कि मैंने मालती देवी को धोखा दे दिया। ये भी बात मुझे नहीं हजम हुई, हम स्टोरी के हिसाब से चले मगर हजम नहीं हुई। फिर मालती देवी पाखी को मिल जाती है, फिर मालती देवी घर पे आती है, फिर मालती देवी का अनाथ आश्रम वाला जो किस्सा सामने आता है, फिर मालती देवी को अनुज घर से बाहर निकालता है कि या ये रहेंगी या मैं रहूंगा। मतलब ये पूरा ड्रामा होने के बाद मालती देवी घर पे आती है, और अब मालती देवी घर पे अपना हक जमा रही है। आज मालती देवी ये कहती हुई सुनाई दी कि मेरा तो यही संसार है, ये घर ही मेरा संसार है, अनुपमा का संसार बहुत बड़ा है, मेरा यही संसार। तो ये कौन सी बात कर रही है मालती देवी, ये संसार आपका पहले कहां था, जब आप एस्टेब्लिश थी, जब आप बहुत कुछ कर सकती थी अपने अनुज को ढूंढने के लिए, अपने बेटे को ढूंढने के लिए, तब आपने अपना बेटा नहीं ढूंढा। आज आपके पास कुछ नहीं है, या फिर वो कुछ नहीं होने का भी आप नाटक कर रही हो। नकुल भी इस नाटक में शामिल है, क्योंकि नकुल भी आगे सामने आ सकता है कि मालती देवी ने उसको भी अपना बेटा बनाया हुआ है। तो ये मालती देवी दोस्तों इतनी शातिर है कि ये कुछ भी सोच सकती है। इसको अल्टीमेटली अनुज और अनुपमा को अलग करना है, क्योंकि ये अंदर से कन्विंस नहीं है कि एक तीन बच्चों की मां मेरे जवान बेटे की वाइफ बने। और ये पूरे जो सवाल मेरे इस वीडियो में, जो मालती देवी के ट्रैक में है, ये सच में कंफ्यूज करते हैं इस करेक्टर को लेके। ऐसे नहीं होता है। जब मालती देवी अनुपमा को चुनती है, अनुपमा मां वाला एक्ट करती है, मालती देवी अपने बच्चे के बारे में सोचती है, तो क्या तब अनाथालय में चेक नहीं जा रहे थे, क्या बच्चे के बारे में सोचना ही काफी है? तो जिस बच्चे की याद इतने सालों में नहीं आई, तो अचानक से बच्चे की जरूरत पड़ गई तो उसकी याद भी आ गई। तो ये मेरा टेक है, क्योंकि ये अगर ऐसा कुछ मालती देवी ने षड्यंत्र रचा हुआ है अपने बेटे को पाने के लिए, क्योंकि अब बुढ़ापा है, बेटे का सहारा चाहिए, वो ऐशो आराम, वो प्यार सब चाहिए, तो अब अगर मालती देवी अनुज कपाड़िया के साथ रह रही है, तो ये सिर्फ मां का प्यार नहीं है, ये कुछ और भी है। और अगर ये कुछ और भी अनुज के सामने आता है, तो अनुज का दिल तो बहुत टूटेगा, क्योंकि अगर मां का ये रूप है जो छोड़ के चली जाती है, तो ये रूप भी हो सकता है ऐसी औरतों का। देखते हैं कैसे होता है आगे, मगर ये थोड़ा सा फिशी सा लग रहा है मालती देवी का करेक्टर। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।